हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर जो डाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो दिखा हमें वो था फूड। और उस पर हमें ये समझ में आया है कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, हम फूड क्यों खाते हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम उसी डाइजेशन चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने डाइजेशन क्या है, डाइजेशन का डेफिनेशन और डाइजेशन में आने वाला इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जो सबस्टेंस था फूड, उसकी इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी। आज उसी डाइजेशन को हम कंटिन्यू करेंगे एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि आपको ड्रा करना है, क्योंकि ये डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। तो दिस इज एन पिक्चर व्यू ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इंसानों का ही है, ठीक है, ह्यूमनों का ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ इन दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी फर्स्ट माउथ बाई मुंह, जिसे हम कहते हैं, जहां से फूड निगला जाता है, डाला जाता है, खाया जाता है। फूड के उस माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड है, ठीक है, मैं बाद में आपको समझाऊंगा इनके बारे में। सलाइवरी ग्लैंड, फिर ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं यहाँ पे, इसको म्यूसोफेगस कहते हैं। ट्यूब के बाद यहाँ एक जो थैली आपको दिख रही है, चेम्बर या स्टमक, पट्टी या तो दंती वाला। नाउ तीन दिन दा उन दिन दा नीरू आहार मत तो ये नो आगली अदु यल हो बिड़ता दी सार इन दिस स्टमक। स्टमक लिंदा लार्ज इंट सॉरी स्टमक लिंदा फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आनंद्र लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आनंद्र रैक्टम, रैक्टम आनंद्र एनस। ಏನದ್ರ ಇದು ಆನಸ್? ಆನಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋ ಔಟ್। ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಊಟ ಒಳಗ ಏನೂ ಪದಾರ್ಥ ಕರಗದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಆನಸ್ ಥ್ರೋ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗುತ್ತದೆ। ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನಸ್। Then in the same digestive system, as like this salivary gland, there is a liver, gallbladder, appendix, and one more gland, pancreas is here. Pancreas is are present in the digestive system. Okay, so students, please draw this diagram neatly and show me, because this diagram is very important in exam point of view. Right now, students, the human digestive system, listen carefully, the human digestive system is divided into two parts. One alimentary canal, जिसको हम गट कहते हैं, and another one digestive gland, जिसको हम associated gland भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसानों का जो digestive system है, ये दो part में बांटा गया है, एक alimentary canal और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं एलिमेंट्री केनाल। व्हाट यू मीन केनाल? केनाल किसे कहते हैं? केनाल उस चीज को कहते हैं जो जिसके अंदर से कुछ सरक रहा हो। केनाल यदि कंतर रही अंदर एनो वन ट्यूब अदर वड़ंगिंद एनो वन सबस्टेंस मूव आगता इदे, दैट इज द मीनिंग ऑफ केनाल। नोड्री, बाय bile in the esophagus, esophagus in the stomach, intestine, rectum, anus, ivella anyway a tube like structure by which food is movementing, hence it is a canal. And adukku vandu hesu kottittara alimentary canal anta. So alimentary canal is nothing but digestive system physically, adu gut anta, gut. Now by this alimentary canal, along with alimentary canal, you may have seen here certain glands. Ignail herta idin nodri, certain glands like salivary gland, pancreas, liver, gallbladder, these gland helping
इन डाइजेशन प्रोसेस बाई सीक्रेटिंग सर्टेन एंजाइम बाई दोज ग्लैंड्स। समझे आप? और एक बार बोलो, एलिमेंट्री कैनाल, तो ये कैनाल है, फिजिकल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जहां से खाना पानी का मूवमेंट हो रहा है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, फाइन। अब उस कैनाल के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटेड, जिसको हम जुड़ा हुआ कहते हैं, जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स है, और उन ग्लैंड का जो सीक्रीशन होता है, वो सीक्रीशन उस खाने में, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सलाइवरी ग्लैंड का जो सीक्रीशन होता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जो हमारे मुंह में होता है, हमारे मुंह में जो वाटरी सब्सटेंस है, पानी, हम कुछ देख लिए खाने का, गुलाब जामुन देख लिए, तो हमारे मुंह में जो पानी आ रहा है ना, यस, वो पानी इस ग्लैंड से आ रहा है, उसको सलाइवा कहते हैं। तो वो पानी की क्या हेल्प है? वो पानी की तो एक तो रिएक्शन में है, वहां उसके अंदर एंजाइम है, उससे पहले उसका ये काम है, हमारे मुंह को उन्हें कैसा रखता है, लिक्विड लगता है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें थोड़ी सी कच्चापन होता है, ताकि हम मुंह को खोल बंद कर सके, ताकि हम खाने को चबा सके। अगर हमारा मुंह ड्राई होता ना, तो हम खाने को नहीं चबा सकते, हमारा मुंह वेट है, कच्चा है, हंसी दे अदक नाउ मिलती हुई हो चल रही। सो अदु मारक कैसा यार पा, यस सलाइवरी ग्लैंड। इधर रीति रेस्ट ऑफ द ग्लैंड व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल लाइक पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर and intestinal, one more gland is here, it is not mentioned, intestinal gland also there, although providing their own functions toward the digestion of food along with the alimentary canal, hence are called digestive gland athwa alimentary associated gland. Okay, notary, alimentary canal alli yenu iruttade, one day mouth ide. Mouth is the first opening between two lips. एक lip इधर, दो होठों के बीच की जो opening होती है, उसे हम mouth कहते हैं। Mouth के बाद अंदर जो बड़ा सा space है, जहाँ tongue और teeth है, उसको हम buccal cavity कहते हैं। ठीक है? समझ रहे हैं बच्चों? Mouth और buccal cavity में फर्क है। There is a difference between these two. Mouth किसे कहना है? Mouth just the opening between two lips. जो फूड को रिसीव करने का काम करता है, उसे हम माउथ बोलेंगे। फिर उसके अंदर जैसा फूड गया, क्या मिलेगा आपको? बड़ा सा स्पेस जो मिल रहा है ना, जहां पर टीथ, टंग, चिक्स, ये सारे चीजें हैं ना, उसे हम बोलेंगे बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद जो हमारा, हमारी गर्दन में जो हमारी जो स्पेस है, हल्लक जिसे हम बोलेंगे हिंदी में, उसे हम फैरिंग्स बोलेंगे। फैरिंग्स के बाद जो ट्यूब नजर आएगा, यूसोफेगस। यूसोफेगस के बाद का जो थैली हमको वहां नजर आ रही है, चेंबर, उसको हम होट्टी यानी कि स्टमक बोलेंगे। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अल्टीमेटली द लास्ट ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट होता है, उसे हम बोलेंगे एनस। ठीक है? अब इसी तरह इधर साइड देखिए, जो जुड़े हुए ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ एक मिसिंग है, यस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड मिसिंग। नंबर वन सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे पेट में है, लीवर साइड में आएगा इधर, यहाँ पे देखिए लीवर, ये चॉकलेट कलर का, देन पैनक्रियास, यहाँ लीवर के जस्ट नीचे आपको पैनक्रियास मिलेगा, उसी तरह इंटेस्टाइनल ग्लैंड आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ अवर digestive system. Okay, students, I hope you people are understood. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Now, अब आगे हमें क्या मिलेगा? आगे हम इन parts की detail पढ़ेंगे, mouth पढ़ेंगे, buccal cavity पढ़ेंगे, pharynx पढ़ेंगे, esophagus, stomach, small and large intestine, ठीक है, and anus, इन different body parts के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली इन ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड। नाउ देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट
जिसे हम मौत एंड बकल कैविटी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है मौत किसे कहना है और बकल कैविटी किसे कहना है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन कितना नीटली लिखा हुआ है, टू रिसीव द फूड, ये दो होठों के बीच का जो जस्ट जो ओपनिंग होती है फूड को लेने के लिए, उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मौत बोलेंगे। जैसा मौत मुंह खुल के जैसा अंदर गए, यहाँ पर ये स्पेस जो दांत जुबान ये जो दिख रहा है आपको, ये स्पेस को बोलेंगे बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी या फिर मौत कैविटी। ठीक है, अब इस मौत कैविटी का कंटेंट देखना है हमें, पार्ट देखना है। ठीक है, क्या क्या है हमारे मुंह के अंदर, लंबाई वड़ा ये निदे अंबा नोड़ नोड़ रहे। नंबर वन ये निदे हल्लू, टीथ है। यहाँ ये टीथ का नाम है, इनसीजर जो आपको दिख रहा है वो टीथ का नाम है। ठीक है, सेंट्रल लैटरल ये उस टीथ का नाम है, कैप्सिड इसका कवरिंग है। अब ये जो आपको रूफ दिख रहा है, हमारे मुंह का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, जुबान जब ऊपर लगाएंगे हम, उसको हम पैलेट कहते हैं। इस एरिया पे आप जुबान लगा के देखो, आपको हार्ड महसूस होता है, जिसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं। वही आप पीछे की ओर जाओ, वही पैलेट आपको थोड़ा सा स्मूथ लगेगा, जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। आप मुंह खोल के आईने के सामने ठहरो, आपको इस नमूने का एक स्ट्रक्चर दिखे, जिसको हम वुलवा कहते हैं। फिर टॉन्सिल्स होते हैं हमारे मुंह में यहाँ पर। फिर जो हमारी जुबान जो टंग है वो अटैच होती है, इस एरिया को कहते हैं फेरनालम। ठीक है, फिर यहाँ जो स्पेस जो होता है उसको हम सब मैंडिबुलर डक्ट कहते हैं। ये जो होते हैं लिप्स, आप सभी जानते हैं होठ हमारे लिप्स होते हैं। लिप्स के बाद ये जो लिप्स और टीथ के बीच के जो होता है गम, जिसे हम मसोड़े कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे मुंह के जो है पार्ट्स है। ठीक है, मुंह के जो है पार्ट्स। देन अब इधर आइए, द फर्स्ट माउथ यानी कि बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ पैलेट, यानी कि जो रूफ होता है उसे पैलेट कहते हैं। ये देखिए रूफ लिखा हुआ है और टीथ है एंड टंग है, यानी कि जो मुंह के अंदर जो ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है जो रफ है उसे पैलेट कहो, फिर दांत है और जुबान है हमारे मुंह के अंदर। पैलेट जिसे मैंने आपको बोला है जो रूफ है उसे पैलेट कहते हैं। जो सामने का पैलेट होता है, जुबान जब ऊपर की ओर उठाएंगे तो वो हार्ड लगेगा, इसे हम हार्ड पैलेट बोलेंगे। वही जुबान को अगर हम पीछे की ओर पोस्टीरियर हिस्से में अगर घुमा के देखेंगे तो आपको सॉफ्ट पैलेट लगेगा। फिर उन दो के बीच में हमारे मौत के सेंटर ऑफ द मौत में आपको मिलेगी टंग, जो कि मस्कुलर है। मौत इज ए सॉरी टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर पे वो अटैच है भाई, फेरनालम, जो कि लेबलिंग में भी है। देन टंग जो होती है, टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले। टंग पे आप कभी हाथ या उंगली लगा के देखो, पैपिले नजर आएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर नॉट हेयर लाइक सॉरी, एक उस पर ग्रोथ नजर आएगा जिसको हम पैपिले कहते हैं। उनके बीच में आपको टेस्ट बर्ड मिलेंगे जो टेस्ट को सेंस करते हैं, खट्टा है, स्वीट है, साल्टी है, ये सारे चीजों को टेस्ट करने के बर्ड्स होते हैं, वो टंग पे मौजूद होते हैं इन बिटवीन पैपिलेस। नाउ एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द टंग टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट, बैक और आइदर साइड ऑफ द टंग वहां पर टॉन्सिल्स होते हैं, राइट। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, द नेक्स्ट पोर्शन और नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर माउथ और अवर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी कंटिन्यू इन अवर फर्दर क्लासेस। आई होप आपको सुनने में और देखने में मजा आ रहा होगा। सो प्लीज नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।